नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इसका क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी YouTube पर नया चैनल है तो आपको भी अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को ऐड कर देना चाहिए और मैं इसके आपको फायदे बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करने का फायदा होता है कि जब भी कोई हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखने के लिए आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को देखते हैं, उसके बाद में वीडियो देखते हैं। और अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, और अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर उसको देखने के लिए नहीं मिलेंगे और अगर वीडियो आप हमने अच्छी बनाई हुई अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अच्छी गिरी हुई है अपलोड की हुई है और उसको वीडियो अच्छी लगी तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में बेल आइकन भी दबाएगा अगर उसको वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों, इसलिए चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर देना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे यहाँ पर, इधर साइड में चैनल का जो आइकन बना हुआ है इन्हें खोलेंगे, 9 बिंदु को। उसके बाद में हमें यहाँ पर मिलेगा अंदर YouTube, इस YouTube पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में YouTube का पेज हमारे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या है, उसके बाद में दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो, हम करेंगे इस लोगो पर क्लिक और क्लिक करने के बाद में इसके नीचे ऑप्शन मिलेगा YouTube स्टूडियो बीटा, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा ओपन हो रहा है दोस्तों, तो दोस्तों इसके ओपन होने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें, हम जाएंगे कि जो ऑप्शन सामने आ रहे हैं इसे करेंगे हम स्किप। स्किप करने के बाद में दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चैनल का, हम चैनल पर क्लिक करेंगे और चैनल का जो ऑप्शन खुलने के बाद में इसके नीचे ऑप्शन मिलेगा हमें एडवांस, और फिर हम एडवांस पर क्लिक करेंगे और एडवांस पर क्लिक करने के बाद में नीचे दोस्तों हमें ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट। तो दोस्तों यहाँ पर दो लाइनें लिखी हुई है, पहले द नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके बाद में नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब माई टू चैनल। तो दोस्तों हमें जब अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करना है उसके लिए हमें यहाँ पर टिक मार करना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर हम जब सेव करेंगे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे। जब भी कोई हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए आएगा तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर उसको शो नहीं होंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो देखने के लिए आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब को देखते हैं, उसके बाद में देखता है कि चैनल के सब्सक्राइबर कम होने की वजह से, क्योंकि हमारा चैनल जो है नया होता है YouTube चैनल, और चैनल के सब्सक्राइब कम होने की वजह से वो ये सोचता है कि इसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है और इस वजह से इसके चैनल के सब्सक्राइबर कम है और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो चैनल के सब्सक्राइब को हाइड करने का फ़ायदा होता है कि जब भी कोई हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए आता है और वीडियो अगर उसको अच्छी लगती है, उसके काम की होती है और वीडियो में उसको कुछ भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, भले ही हमने अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइब को हाइड किया हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।